हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मौसम। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाले हैं डीप सेल्फी फेस फिल्टर मास्क एप्लीकेशन के बारे में। डीप सेल्फी एप्लीकेशन क्या है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से डीप सेल्फी एप्लीकेशन में आप जो कि फेस में फिल्टर लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं और किस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, आज का वीडियो अंत तक देखते रहिए, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे डीप सेल्फी एप्लीकेशन क्या है, इसको किस तरह से यूज करते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने इंटरेस्टिंग वीडियो आए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच ले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर जाएंगे, सिर्फ लिखेंगे डीप सेल्फी फेस फिल्टर मास्क, देख लीजिए आप, सिर्फ डीप सेल्फी लिखेंगे एप्लीकेशन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करके आसानी से यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारा फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं और उसमें जो कि फेस मास्क लगा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक 3D फेस मास्क आपको लगेगा, अगर आप चाहते हैं उसमें फेस मास्क लगा तो वो 3D में लगेगा। टैप फेस स्वाइप वीडियो आप जो इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सीन फेस ऐप, मतलब इस एप्लीकेशन में आप जो कि अपना 3D में जो कि फेस मास्क लगा के इसको यूज कर सकते हैं। यूज करना एकदम आसान है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देख लीजिए आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, डीप सेल्फी लिख के यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपका फाइनली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देख लिया फेस ऐप दम, यहाँ एडवांटेज कैमरा फीचर्स आपको बोलेगा, इस तरह से आप यहाँ से सेलेक्ट करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट का, कनेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे एक एड आ जाएगा, एड को आपको देख लेना है। इसमें फ्रेंड्स एड आता है तो एड आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से आपको बैकग्राउंड मिलेगा, यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा बैकग्राउंड, आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या बॉडी एडिटर करना चाहते हैं, अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंजर पर आपको क्लिक करना है। बैकग्राउंड चेंजर पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर करके देख सकते हैं। किसी भी फोटो का आप जो कि बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं वो सब एग्जांपल दे करके बताने वाले हैं, देख लीजिए एकदम खास खास और कितना मस्त बैकग्राउंड आपको मिल रहा है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। सपोज दे चलिए हम इस पर आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा गैलरी और कैमरा, तो चलिए यहाँ पे हम गैलरी में जाकर के अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से एक फ़ोटो ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें बोलेगा सिलेक्ट वगैरह करने के लिए, तो आप इस तरह से अपना जो है कि सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये सेटिंग यस का, यस पे डन पे, डन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड आ जाएगा, ऐड को आपको देख करके यहाँ से कट कर देना है। एड को हटाने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको इसमें बोलेगा कि ये आपको PNG टाइप में होना चाहिए। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, देख ले डायरेक्ट क्रॉप करके आप यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं, मतलब वन क्लिक में डायरेक्ट। अगर अपने चॉइस से अगर चाहेंगे क्रॉप करने के लिए तो यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन मिलेगा इस तरह से। आप अगर आपको लगे कि ये बेहतर नहीं हो चुका है डायरेक्ट में ऑटोमेटिक में, तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप यहाँ से इस तरह करके देखिए लगा सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ जाएंगे क्रॉप पे क्लिक करेंगे क्रॉप हो जाएगा डायरेक्ट, देखिए आ गया, इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चेंज बैकग्राउंड भी यहाँ से आप कर सकते हैं, देख लीजिए एड आएगा, एड को आप यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से फिर से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब इसमें मेहनत जितना करेंगे उतना अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर अपना किसी फोटो का चाहते हैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, सिर्फ लिखिए डीप सेल्फी ये फेस फिल्टर, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए। आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डन, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।